topics and general knowledge related topics. And from that topics, today we will discuss about different types of scientific devices which are used in daily life. So the first scientific device which we learn about is altimeter. क्या होता है altimeter? अगर हम simple language में देखें तो it used to measure something. Any scientific device in which you see the word meter is mentioned, then it derives that scientific device is used to measure something. अगर किसी scientific device में आपको meter word लिखा हुआ दिखता है, तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी चीज को मेजर करेगी, किसी ना किसी चीज को मापने का काम करेगी. वो चीज वेट भी हो सकती है, हाइट भी हो सकती है, डिस्टेंस भी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है. तो ऑल्टीमीटर बेसिकली यूज्ड टू मेजर ऑल्टीट्यूड. एज द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, ऑल्टीट्यूड इज मेजर्ड बाय ऑल्टीमीटर. तो व्हाट इज ऑल्टीट्यूड, क्या होता है ये ऑल्टीट्यूड, उसके बारे में देखें. तो इफ देयर इज अ सी, इफ यू लुक एट दिस फिगर, सपोज दिस इज अ ओशन सरफेस, सो वी से दैट दिस इज अ सी लेवल. एंड इफ देयर आर बीचेस, ओके, आफ्टर देयर सम माउंटेन्स. इफ यू वॉन्ट टू नो द हाइट ऑफ दिस माउंटेन, देन वी विल डिराइव दैट फ्रॉम सी लेवल. What is the distance of this mountain peak? That distance is called altitude. So altitude kya hota hai? It is a distance from sea level. Okay, bahut simple si cheez hai. Sea level se kisi bhi cheez ki kitni height hai usko altitude kehte hain. And this altitude is measured by this device which is known as altimeter. So there are different types of altimeter you can see in your experiment and usage purposes. So different types of altimeters mein pehla aata hai helicopter or aircraft mounted altimeter. These devices are mounted on the panel of an helicopter or a aircraft. If you look at this picture closely, this is inside the cockpit or inside the helicopter from where it is flown. यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आपको अलग अलग तरह के आपको यहाँ पर फिगर्स देखने को मिल रहे हैं. कुछ चीजें हमें फ्यूल के बारे में बताएंगी, कुछ इंडिकेटर्स हमें जो हमारा एयरक्राफ्ट है उसका डिसेंट कितना है, वो कितनी हाइट से झुका हुआ है, ये सब चीज़ें बताएंगी. और कुछ चीज़ें हमें बताती हैं कि कितने ऑल्टीट्यूड पर ये एयरक्राफ्ट उड़ रहा है. तो देर आर सम ऑल्टीमीटर एक्सप्रेसिंग यूनिट्स विच आर माउंटेड ऑन हेलीकॉप्टर, एंड दीज काइंड ऑफ ऑल्टीमीटर आर कॉल्ड हेलीकॉप्टर माउंटेड ऑल्टीमीटर. तो दिस इज अ बेसिकली वन टाइप ऑफ ऑल्टीमीटर. अनदर टाइप इज रिस्ट बैंड माउंटेड ऑल्टीमीटर. There are some altimeter devices which can you bind in your wrist just like this watch, and these are used by individuals who are sky jumping, sky diving. तो इस तरीके की activities करने वाले लोगों के लिए लगातार अपने गिरने को measure करते रहना ताकि सही moment पर वो parachute को खोल सकें, इसलिए एक altimeter अपनी कलाई से या अपने पैरों से बांध दिया जाता है. So such kind of wristband altimeter are strapped on your hand or legs, and these altimeters are used to measure the height or a person who is skydiving his distance from the surface, so that at the right moment the parachute should be open. Other kinds of altimeter are radar altimeter, which are used in radar. Radar used to detect some flying object and its overall location in the space. So radar altimeter helps in finding the actual distance of that object. तो radar की मदद से हम किसी न किसी object को देखते हैं कि वो कहाँ पर उड़ रहा है. खास तौर पर अगर किसी दुश्मन देश का कोई aircraft हमारे air space में enter करता है, तो उसको पहचानने के लिए radar की ज़रूरत पड़ती है. और radar में भी altimeter लगा होता है जो कि उसकी exact height का पता लगाने के लिए जरूरी होता है. सो दिस इज ऑल अबाउट ऑल्टीमीटर. ऑल्टीमीटर यूज्ड टू मेजर द ऑल्टीट्यूड, एंड वी हैव डिस्क्राइब्ड व्हाट इज एन ऑल्टीट्यूड. यू कैन सी द पैनल ऑफ एन ऑल्टीमीटर जस्ट लाइक अ वॉच. देर आर थ्री नीडल्स आर देयर एंड दे हैव डिफरेंट डिफरेंट रीडिंग्स.
दैट वी विल एक्सप्लेन लेटर. बट यहाँ पर आप देखिए, दिस इज अ रिस्ट बैंड ऑल्टीमीटर काइंड ऑफ अ थिंग विच इज द पर्सन इज माउंटेड विच द पर्सन हैज स्ट्रैप्ड ऑन हिज लेग. दिस पर्सन इज स्काई डाइविंग फ्रॉम अ हाइट एंड दिस इज अ डेजर्ट एरिया. तो ये ऑल्टीमीटर आपको मदद कर रहा है आपकी हाइट का पता लगाने में. अगर मैं बात करूं कि ऑल्टीमीटर काम कैसे करता है, तो यहां पर आप देख सकते हैं फ्रॉम दिस पॉइंट देयर इज अ आउटर बॉडी ऑफ एन एयरक्राफ्ट. एक एयरक्राफ्ट है, उसके बाहरी हिस्से में, उसके आउटर लेयर में आपको एक नोजल दिखता है, एक होल सा दिखता है. उस होल से एयर अंदर ट्रेवल करती है एंड थ्रू दैट पाइप द एयर एंटर्स इन दैट रीजन वेयर देयर आर सम डिस्क आर मेंटेन्ड. दीज डिस्क आर कंप्रेस्ड और एक्सपेंडेड विद द प्रेशर ऑफ आउटसाइड विंड. बाहर से आने वाली हवा इन पर एक प्रेशर बनाती है और उस प्रेशर से ये ऊपर नीचे होती हैं, जिसकी वजह से ये रॉड घूमती है और अल्टीमेटली यहाँ पर नीडल के रूप में हमें कुछ खास रीडिंग देखने को मिलती हैं. सो द एयर प्रेशर विच क्रिएट्स डिस्टर्बेंस इन दिस डिस्क सिस्टम. ये एक प्रकार की प्लेट्स हैं जो आपस में ऐसे ऊपर नीचे होती हैं विद द हेल्प ऑफ दैट आउटसाइड विंड एंड दैट आउटसाइड विंड क्रिएट्स अ रीडिंग इन दैट पैनल. वहां पर हमें फिर कुछ चीजें दिखती हैं. दीज थ्री नीडल्स आर डिराइव्ड एज 100 पॉइंटर, 1000 पॉइंटर एंड 10,000 पॉइंटर. तो मान लीजिए ये जो 10,000 पॉइंटर वाली नीडल है, इसको आप जीरो पर देखते हैं, तो यू शुड मल्टीप्लाई जीरो बाय 1000, इट रिमेन जीरो. फिर ये जो छोटी सेकेंड की सुई सी दिख रही है, ये 10,000 पॉइंटर है, और मान लीजिए कि ये वन पर प्लेस्ड है इस पूरे डायल में, तो यहां पर आपको 1 × 10,000 करना पड़ेगा, देन यू विल गेट द रीडिंग ऑफ 10,000. और ये जो दूसरी नीडल है, मान लीजिए ये 2 पर प्लेस्ड है, जिसको 100 पॉइंटर कहा है, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 × 100, यू विल गेट 200. तो 200 एंड 10,000 आर द रीडिंग यू विल गेट. Both readings should be added and then you will get 10,200 feet की height पर वो object मौजूद है. So based on these needles reading, you should multiply each needle's reading with the assigned pointer and then you will get the exact height of that object or exact altitude of that object which is flying. आपको इस नीडल की मदद से इसके जहां जहां पर पॉइंट कर रहा है, वो 1, 2 या 1 और 2 के बीच में, 1.1, 1.2, इसके बेस पर आपको यहां पर मौजूद पॉइंटर से उसे मल्टीप्लाई करना है. अगर छोटी सुई जो कि 1000 पॉइंटर है, अगर ये जीरो पर है तो उसे जीरो से मल्टीप्लाई करना है, वन पर है तो 1 से मल्टीप्लाई करना है. सिमिलरली अदर नीडल्स 100 एंड 1000, 10,000 पॉइंटर, इनको भी मल्टीप्लाई करना है. जितने भी ये तीनों के रिजल्ट हैं उनको ऐड कर देंगे तो यू विल गेट दी एग्जैक्ट हाइट, आपको वो जरूरी हाइट मिल जाएगी. ओके, तो दैट्स हाउ द ऑल्टीमीटर रीडिंग्स आर टेकन. और इसमें आपको एयर प्रेशर की जरूरत होती है, आउटसाइड एयर प्रेशर की मदद से हम ये चीजें देखते हैं. देयर इज अ विंडो कॉल कॉल्समैन विंडो, बट दैट इज टू मच फॉर यू, दैट इसकी जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ ऑल्टीमीटर के बारे में इतना पता होना चाहिए कि इट मेजर्स द ऑल्टीट्यूड. और ये जो सिंपल फंक्शनिंग है, ये आपको टू अंडरस्टैंड बेटर द फंक्शनिंग ऑफ ऑल्टीमीटर, इसलिए मैंने समझाई हुई है. ओके, सो एग्जाम में आपसे सिर्फ पूछा जाएगा कि ऑल्टीमीटर किस लिए यूज होता है, और आपको बता देना है इट यूज्ड टू मेजर द ऑल्टीट्यूड. और ऑल्टीट्यूड क्या होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है, सी लेवल से किसी भी ऑब्जेक्ट की जितनी दूरी होती है, जितनी उसकी हाइट होती है, उसको ऑल्टीट्यूड कहते हैं. आफ्टर दैट वी विल कम टू द नेक्स्ट डिवाइस विच इज बैरोमीटर. सो बैरोमीटर अगेन, देयर इज मीटर यूज्ड इन दिस. तो मीटर डिनोट्स समथिंग टू मेजर. अगर कहीं पर आपको मीटर दिख रहा है इंस्ट्रूमेंट के लेवल पर लिखा हुआ, तो इसका मतलब है मापा जाएगा किसी चीज को. तो ये बैरोमीटर में, बैरोमीटर किस चीज को मापता है, ये मापता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को. तो बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द डिवाइस यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड बैरोमीटर. ओके, व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? इफ आई टोल्ड यू
Our Earth is surrounded by different kinds of gases. Those gases creates Earth's atmosphere. हमारी अर्थ के चारों ओर बहुत सारी एक लेयर है गैस की. उस पूरी गैस की लेयर को आप अर्थ का एटमॉस्फेयर कहते हैं. तो जो एटमॉस्फेयर होता है ये हम लोगों के ऊपर जो हम अर्थ पर बैठे हुए हैं या जितने भी ऑब्जेक्ट अर्थ में हैं उनके ऊपर एक प्रेशर डालता है. उस प्रेशर को ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं. द प्रेशर एग्जर्टेड बाय द एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड ईच इंडिविजुअल एक्सपीरियंस्ड दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर बट इट इज मेंटेन्ड थ्रू अवर इंटरनल प्रेशर विच इज क्रिएटेड बाय ब्लड प्रेशर. तो जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर प्रेशर डालता है उस प्रेशर को हम महसूस कर सकते हैं लेकिन हमें वो लगता नहीं है. वो इसकी वजह यह है कि उसको हम अंदर से जो हमारा ब्लड प्रेशर है उसकी वजह से इक्वलाइज कर देते हैं. इसलिए हम आसानी से अर्थ पे कहीं भी आते जाते हैं तो हमें लगता नहीं है कि हमारे ऊपर बहुत सारी गैसेस प्रेशर बना रही हैं. सिमिलरली देयर इज वन मोर प्रॉपर्टी अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज विथ द एल्टीट्यूड. सो आई हैव already told you about the altitude. That means the distance from the sea level is known as altitude, and if this distance increases it means you are going to more and more higher levels. Then the layer of atmosphere got thinner and thinner, and that's why we are saying that atmospheric pressure decreases with altitude. जो एटमॉस्फेयर है वो सबसे ज्यादा डेंस निचली लेयर पर है यानी कि अर्थ के सरफेस के पास है. यहीं पर आपको डिफरेंट गैसेस के कॉम्बिनेशंस और जो हैवी गैसेस हैं वो बैठी हुई दिखती हैं. जैसे जैसे आप अर्थ की सरफेस से ऊपर उठते जाते हैं या समझ लीजिए कि माउंटेनियस रीजन्स की तरफ जाते जाते हैं वैसे वैसे ये जो अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी है ये कम होती जाती है. अगर अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी कम होती जाएगी तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जैसे जैसे आप हाइट पर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको एटमॉस्फेयर की तरफ से पड़ने वाला प्रेशर कम होता हुआ महसूस होगा. तो विद द इंक्रीज ऑफ एल्टीट्यूड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीजेज एंड इफ यू experiencing a certain kind of atmospheric pressure in a sea level surface then you definitely experience the lesser kind of atmospheric pressure at the mountainous region. So agar aap samudra ya ocean ke aas paas ek prakar ka ek tarah ka atmospheric pressure dekhte hain to wo atmospheric pressure जो आप माउंटेनियस रीजन या किसी हिल स्टेशन में जाएंगे तो वहां से हमेशा आपको सी लेवल पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर देखने को मिलता है वो ज्यादा होगा. तो ये खास बात है. एंड द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर. द क्वेश्चन दैट विल आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन इज दैट विच साइंटिफिक डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड इफ दिस इज द क्वेश्चन देन यू हैव द आंसर दैट डिवाइस इज बैरोमीटर. The question can be asked upside down as well. Okay, so the question is put it like this. Barometer is used to measure which of the following things, and there are some options. You have to choose the right option, which is atmospheric pressure. So in any way, in any language, if the answer, if the question is asked to you, then the answer you have, because you understood that barometer used to measure atmospheric pressure, and the atmospheric pressure is the amount of pressure exerted on the surface of Earth by the atmospheric gases. So this is all about barometer, and this is a standard barometer which is used in those buildings or those complexes where we use to measure the atmospheric pressure. It looks like a thermometer kind of a thing in which mercury is used. So there is a vacuum tube used and it put it on a bowl of mercury like this upside down. The mercury raises to the point where the gases are there, the air is there, and above the mercury's level the vacuum is created. So
the level of atmospheric gases are till here. That's why this reading is about the atmospheric pressure. एक वैक्यूम की ट्यूब को आप उस बाउल में रखेंगे जिसमें मरकरी है, उस वैक्यूम की ट्यूब को उल्टा इसमें डुबाएंगे, डुबाने के बाद मरकरी इसमें रेज करेगा उस लेवल तक जहां तक कि इसमें भरी होगी हवा, और जैसे ही वो हवा का लेवल अचीव हो जाएगा मरकरी उसे पूरा भर देगा, वहां पर मरकरी रुक जाएगा रेज करना और ऊपर का हिस्सा बचा रह जाएगा वैक्यूम के रूप में। ये मरकरी जहां तक रेज करेगा वो रीडिंग है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, और इस तरीके से ट्रेडिशनली एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर किया जाता था। टुडे वी हैव मोर एडवांस्ड डिवाइसेस दोज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बट ओवरऑल यू हैव टू काइंड्स ऑफ साइंटिफिक डिवाइसेस। वन इज ऑल्टीमीटर विच मेजर्स ऑल्टीट्यूड, अनदर वन इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजरिंग डिवाइस विच इज बैरोमीटर। सो टू डिवाइस वी हैव लर्नड टिल नाउ। नाउ द थर्ड डिवाइस विल हाइग्रोमीटर। सो अगेन अ टर्म मीटर इज यूज्ड विच डिनोट्स वी विल मेजर समथिंग इन दिस डिवाइस। अगर मीटर वर्ड का यूज हुआ है किसी साइंटिफिक डिवाइस में तो इसका मतलब है कि आपको किसी ना किसी चीज को मापने का मौका मिल रहा है। अब वो क्या चीज है उसको देखना होगा। पिछले जो एग्जांपल्स थे उसमें ऑल्टीमीटर मापता था ऑल्टीट्यूड को, बैरोमीटर मापता था एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, इसी तरीके से अब हाइग्रोमीटर क्या मापेगा उसको देखते हैं। तो यहां पर हाइग्रो का मतलब होता है ह्यूमिडिटी से। तो हाइग्रोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द ह्यूमिडिटी। नाउ व्हाट इज ह्यूमिडिटी? सो देयर आर सम वेपर वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। हमारे चारों ओर के जो पर्यावरण है जो एनवायरनमेंट है उसमें वाटर वेपर भी मौजूद होते हैं बाकी सारी गैसेस के साथ साथ, और उनमें से गैस ऑक्सीजन भी होती है जो ज्यादातर हमारे चारों ओर मौजूद होती है जिसकी वजह से हम जी पाते हैं। लेकिन इन सब चीजों के अलावा जो वाटर वेपर मौजूद होते हैं सस्पेंडेड उस पूरे एनवायरनमेंट में, यानी कि इस पूरी हवा में आपको कहीं पर बहुत ही छोटे वाटर वेपर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे जो कि एक प्रकार से उस पूरे एनवायरनमेंट की ह्यूमिडिटी को डिफाइन करते हैं। तो द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एनी डिफाइंड एरिया इज कॉल्ड इट्स ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इज डिराइव्ड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन सर्टेन एरियाज। किसी भी इलाके में कितना ज्यादा जल वाष्प कहते हैं या वाटर वेपर कहते हैं मौजूद है उससे हमें उस इलाके की ह्यूमिडिटी का पता चलता है। अगर वाटर वेपर्स बहुत ज्यादा होंगे तो ह्यूमिडिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी, अगर वाटर वेपर्स कम होंगे तो उसकी ह्यूमिडिटी उस इलाके की भी कम होगी। तो इस चीज को कैसे पता लगाएंगे कि कितना वाटर वेपर प्रेजेंट है किसी इलाके में, उसके लिए हम मदद लेते हैं इस हाइग्रोमीटर की। तो इन एग्जाम द क्वेश्चन इज आस्क्ड लाइक दिस, which scientific device is used to measure the humidity in any environment? Then the answer should be hygrometer. Hygrometer, H-Y-G-R-O, okay? Do remember that hygrometer is used to measure humidity. There is certain another device which we come to the next slide that is called hydrometer. So there is a slight difference between the name hygrometer and hydrometer. One is H-Y-G-R-O and another one is H-Y-D-R-O. But the difference is too much because hygrometer used to measure humidity and hydrometer used to measure something else that we read in the next slide. खैर, यहाँ पर आपको क्या समझ में आ गया कि hygrometer आपको air में मौजूद water molecule या आप humidity जिसे कहते हैं उसको मेजर करने के काम आता है। दिस हाइग्रोमीटर इज यूज्ड और इट इज यूजफुल डिवाइस फॉर वेदर फोरकास्ट बिकॉज वी यूज टू प्रिडिक्ट अबाउट द वेदर इन अ डे और अ टू।
by getting knowledge about the humidity in that atmosphere. अगर हमें पता चल जाए कि इस इलाके में humidity कितनी है, तो हम आने वाले समय में या आने वाले एक दिन में वहाँ कैसा weather रहेगा इसके बारे में भी predict कर सकते हैं. अगर किसी इलाके में बहुत बारिश होने की possibility है, तो वहाँ आपको certain rise in humidity भी देखने को मिल सकती है, because water vapor तेजी से नीचे गिरेंगे और एक बूंद की तरह रेन होगी. उसमें रेन होने के साथ ही आपको वाटर वेपर या वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा दिखने लग जाएंगे, इसलिए आपको वहाँ पर ह्यूमिडिटी बढ़ने लगेगी. सो वेदर फॉरकास्टिंग में इसका यूज़ है. इसके अलावा माइनिंग इंडस्ट्री में भी इसका यूज़ है. इन माइनिंग इंडस्ट्री वी यूज टू माइन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो इफ यू से देयर इज अ सरफेस एंड वी हैव माइंड सो मच हियर, एज वी गो डाउन एंड डाउन इन द डेप्थ, दिस इज सरफेस एंड दिस इज द डेप्थ वेयर वी डू द माइनिंग. हमने जमीन खोद खोद के नीचे तक पहुंच गए, तो जैसे जैसे हम नीचे जाते रहते हैं, हमें ग्राउंड वाटर से अपना कॉन्टेक्ट बनाने का भी मौका मिलता है. ये जो ग्राउंड वाटर है, ये यहाँ की सॉइल में भी घुला रहता है, और वहाँ की सॉइल को जब आप खोदते जाते हैं, तो यहाँ पर वाटर वेपर बढ़ते जाते हैं. ओके, तो वाटर वेपर आर वेरी डेंस इन दिस रीजन विच इज क्लोज टू द ग्राउंड वाटर रिजर्वायर, वाइल द वाटर वेपर्स आर लेस डेंस और नेग्लिजिबल इन द अपर पोर्शन. So, as we mine down and down, the water vapors are increasing. So, the humidity of that area is increasing, and this area is very enclosed or very narrow region. That's why the mining activity is used to be dangerous if you don't have the knowledge of the relative humidity of that area. अगर हम जमीन नीचे खोदते 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 जाएंगे, तो धीरे धीरे आप ग्राउंड वाटर के संपर्क में, ग्राउंड वाटर के कांटेक्ट में आ सकते हैं, और उसके बाद आपको महसूस हो सकता है कि इस पूरे खोदने के चलते आपकी ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ने लगी है जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं. जैसे जैसे आप नीचे जा रहे हैं, वाटर वेपर डेंस होते जाएंगे, और वो पूरा जो खुदाई का काम है वो भी एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट में हो रहा है, तो आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है. और इस चीज़ से बचने के लिए आपको हाइग्रोमीटर की ज़रूरत पड़ती है, ताकि आप पता लगा सके कि मेरे खोदते रहने में कितने गहराई तक जाने के बाद मुझे उस काम को रोकना पड़ेगा, या फिर कितने गहराई पर मुझे ऑक्सीजन मास्क जैसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है. तो हाइग्रोमीटर इज़ यूज्ड फॉर माइनिंग इंडस्ट्रीज एज वेल, बिकॉज देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर और देयर इज़ अ प्रेजेंस ऑफ ह्यूमिडिटी इन द डेप्थ ऑफ द अर्थ सरफेस एज वेल. So this is the hygrometer. Now the next device which is used is, this is present day hygrometer which digitally show you the humidity, and the similar device which has the similar kind of a name is hydrometer. Hygrometer हमने पढ़ लिया जो humidity के बारे में बताता है. आगे हम पढ़ रहे हैं hydrometer, इसमें D catchword है, और पीछे वाले जो device थी उसमें जी का प्रयोग हुआ था. तो हाइग्रो एंड हाइड्रो में फर्क करना सीख लीजिएगा. हाइड्रोमीटर यूज्ड टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स. तो सपोज देयर इज ए टाइप ऑफ लिक्विड एंड देयर इज बी टाइप ऑफ लिक्विड, एंड वी मिक्स दोज लिक्विड्स विथ ईच अदर, देन देयर इज अ लिक्विड विच हैज अ सर्टेन काइंड ऑफ अ ग्रेविटी and there is a liquid which has a different kind of a gravity based on the composition of that liquid. dono liquid ko hum mix karte hain to dono alag alag tarah se gravity ko experience karte hain, kyunki unka composition alag alag hota hai. agar aap pani hai aur usko yun girate hain to wo zameen par ek certain time period mein pahunchega, aur agar aap kisi gaadi cheez ya jaise kisi shahad ko niche girate hain to uske girne ka aapko थोड़ा सा डिफरेंट सिनेरियो लगेगा, बिकॉज दोनों ही तरह के लिक्विड अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसकी वजह से उनको मिक्स करने पर आपको अलग अलग टाइप के रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, उसमें अलग अलग ग्रेविटी उनके द्वारा फॉलो की जाती है. तो वाइल मिक्सिंग दीज टू लिक्विड इन दैट मिक्सचर, इफ वी वॉन्ट टू नो
the specific gravity of one substance. There is a difference between liquid A and liquid B. And when we create a mixture in which liquid A and liquid B both are present, then in that mixture, what is the specific gravity or what is the property of certain mixture, that is liquid A, that is known with the help of hydrometer. If I say very plainly and simply, suppose you mix water with the milk, then if we know the standard specific gravity of milk, and if we compare that specific gravity with this mixed milk with water, then we used to know that this milk is not pure, this milk is mixed with some kind of a thing, most probably the water. अगर हम दूध में पानी मिलाएं तो हमें प्योर दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता रहती है. अगर प्योर दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ होती है और इस पानी मिले हुए दूध की स्पेसिफिक ग्रेविटी जब हम निकालते हैं वो कुछ और आती है, तो हमें समझ में आ जाता है कि ये प्योर दूध नहीं है. तो इस तरीके से हाइड्रोमीटर जो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड बताता है वो हमारे काम आ जाता है. यहां पर इट मेजर्स द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड्स एंड इट इज बेस्ड ऑन आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो व्हाट इज आर्किमिडीज प्रिंसिपल? आर्किमिडीज प्रिंसिपल इज अ सॉलिड बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स ओन वेट विद इन अ लिक्विड इन विच इट फ्लोट्स. दिस इज द आर्किमिडीज प्रिंसिपल. तो एक सॉलिड बॉडी को अगर आप पानी या किसी लिक्विड में डालते हैं तो वो कुछ न कुछ पानी को हटाता है, यानी कि जहां पर ही आप एंटर करने लगे वाटर के अंदर, तो वाटर के अंदर एंटर आप कैसे करेंगे? वाटर की सरफेस को हटा करके. आर्किमिडीज ने बताया था कि अ सॉलिड बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स ओन वेट विद इन अ लिक्विड इन विच इट फ्लोट्स. अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट किसी वाटर बॉडी या किसी लिक्विड बॉडी में फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है, ओके, तैर रहा है, तो उसके तैरने की वजह यह है कि उसने अपने वेट के जितना ही पानी डिस्प्लेस किया हुआ है. इसका मतलब क्या है? मेरे वेट जितना पानी ही मैं डिस्प्लेस करूंगा जब मैं पानी में एंटर करूंगा, और अगर मेरा वेट बहुत ज्यादा है तो मैं बहुत ज्यादा पानी डिस्प्लेस कर दूंगा. उसके कंपैरिजन में पानी जो अपनी स्टेटस को बनाए रखना चाहता है वो भी मेरे ऊपर प्रेशर लगाएगा, लेकिन क्योंकि मेरा वेट बहुत ज्यादा है इसलिए पानी जितना प्रेशर मुझ पर लगा सकता है वो मेरे वेट के मुकाबले बहुत ज्यादा होने की वजह से मैं डूबने लगूंगा. Suppose a dry leaf is thrown in a water. एक सूखे पत्ते को imagine कीजिए कि वो पानी में गिर रहा है. ये जो सूखा पत्ता है इसका weight बहुत कम है, इसलिए वो उतना ही पानी हटाएगा, यानी कि वो आसानी से तैर सकता है. जितना weight हमने अपना है उतना ही पानी हटाया है, पानी को भी उतना ही हम पे pressure लगाना पड़ेगा क्योंकि उसका status को खराब हुआ है. पानी का surface एक प्रकार से peaceful था, उसमें कोई चीज एंटर की गई तो पानी चाहता है दोबारा से उसी पोजीशन पे आना, लेकिन हम उसे हटा रहे हैं एज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट. तो पानी लगातार हम पर प्रेशर लगाता है, हम लगातार पानी पर प्रेशर लगाते हैं जब कभी भी हम पानी में एंटर करते हैं. व्हेन वी एंटर एनी लिक्विड सरफेस देन वी अप्लाई सम प्रेशर ऑन दैट लिक्विड सरफेस एंड दैट लिक्विड सरफेस रिवर्सली apply some pressure on us because that liquid surface wants to maintain the status quo jaisa tha waisa hi banna chahta hai. This is the nature. But if there is too much weight of a solid object, then the water or the liquid is not capable of holding it on the surface and it got sinked in that surface. अगर कोई चीज बहुत भारी है तो वाटर जो उस पर या जो लिक्विड उसके ऊपर प्रेशर लगा रहा है ताकि वो वैसी की वैसी बनी रहे, उसे वो बाहर फेंकना चाह रहा है, वो नहीं कर पाता है. बहुत भारी चीज जब इतना ज्यादा वेट के साथ पानी में एंटर करती है तो वो बहुत ज्यादा पानी हटाती है. उसको ऊपर सरफेस पर बनाए रखने के लिए
पानी को बहुत ज्यादा प्रेशर उस पर लगाना पड़ता है, लेकिन पानी की एक लिमिट है, वो एक हद से ज्यादा प्रेशर नहीं लगा सकता है, और फिर वो जब हार जाता है उस पर प्रेशर लगाने से, तो वो पानी में चीज धीरे धीरे ज्यादातर एंटर करने लग जाती है। इसको आप ऐसे समझिए कि किसी सरफेस, किसी घर पे आप एंट्री लेना चाहते हैं, लेकिन घर वालों ने दरवाजा बंद करके जोर लगा रखा है, तो जब तक आप वो दरवाजा खटखटा रहे हैं तब तक वो जोर लगा करके दरवाजा बंद रख रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ज्यादा पावर है तो आप तेजी से अंदर घुस जाएंगे, और जितनी आपकी बॉडी है, जितनी आपकी क्षमता है, जितनी आपकी पावर है, उतनी पूरी लगा देंगे। अगर वो बहुत ज्यादा है आपकी इन कंपैरिजन टू वो जिन लोगों ने रोक रखा है, तो फिर आप उन्हें तोड़ के अंदर घुस जाएंगे। तो यही चीज यहां पर आर्किमिडीज ने भी बताई थी। उन्होंने कहा अगर किसी सॉलिड चीज को किसी लिक्विड की सरफेस पे फ्लोट कराना है, यानी कि दरवाजे पर रोक के रखना है, तो आपको क्या करना होगा, उस सॉलिड चीज का वेट इतना रखना होगा कि वाटर उसको सरफेस पर रोक सके, यानी कि जो उसका वेट है वो बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यही बात अगर सिंपल साइंटिफिक टर्म में कहूं तो अ सॉलिड बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स ओन वेट, जब वो पानी में एंटर करती है तो अपने वेट जितना ही चीज को डिस्प्लेस करती है, और वो अगर बहुत ज्यादा वेट होगा तो बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देगी, यानी कि दरवाजा तोड़ के अंदर घुस जाएगी। तो हाइड्रोमीटर क्या करता है, हाइड्रोमीटर किसी लिक्विड की सरफेस पर यूं फ्लोट करता रहता है, आधा डूबता है और आधा बना रहता है, क्योंकि उसका वेट इसी तरीके का बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर इसी तरीके का बनाया जाता है। दिस हैंड इज द सरफेस ऑफ वाटर, देयर इज अ डेप्थ इन दिस वाटर एंड दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोमीटर विच एंटर्स द सरफेस एंड सम हाउ इट फ्लोट्स ऑन दैट बिकॉज द वेट ऑफ दैट हाइड्रोमीटर इज मेंटेन्ड सो दैट इट कैन फ्लोट इन दैट लिक्विड। ये जो हाइड्रोमीटर होता है इसको लिक्विड में डाला जाता है और इसको फ्लोट करवाया जाता है, इस तरीके से इसका यूज किया जाता है। तो हाइड्रोमीटर कैन बी कॉमनली यूज इन एल्कोहल टेस्ट इन लिक्विड। सपोज वी हैव पुट सम मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर, देन वी यूज टू नो हाउ मच एल्कोहल इज मिक्सड विद दिस वाटर। तो ये जो हम करते हैं हाइड्रोमीटर की मदद से करते हैं, बिकॉज एक लिक्विड है वाटर, एक लिक्विड है एल्कोहल, दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर हमें पता लगाना है कि कितना इसमें एल्कोहल है। तो हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल के हिसाब से चेक करेंगे कि इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोमीटर, उस स्पेसिफिक ग्रेविटी को कंपेयर करेंगे अकेले वाटर की कितनी होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी उससे, उसमें जितना फर्क आएगा वो मिल जाएगा आपको एल्कोहल का कंटेंट कितना है इस मिक्सचर में। तो यहां पर आप समझ पाए होंगे कि दो मिक्सचर को ऐड करने पर उसको जब वो कंपेयर करते हैं ओरिजिनल फॉर्म से, जब वो अलग अलग मिक्सचर प्योर थे, तो एक के मुकाबले दूसरे में कितना बदलाव आया है पता चल जाता है। इसकी वजह से हमें ये मालूम पड़ जाता है कि कितना इसमें मिक्सचर मिलाया गया है। हाइड्रोमीटर यूज टू मेजर द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड, दीज आर मॉडर्न डे हाइड्रोमीटर्स एंड यू कैन सी देयर इज अ ग्लास हियर एंड इट इज floated on that glass and the reading comes here. Similarly, these are some other portable hydrometers. This portion is dropped in the liquid and there is a reading that is gained. There is similar thing here. This thing will float on liquid and the reading will get in here. So this is all about hydrometer. I hope you will understood. So till now we have read about altimeter, which used to measure the altitude. Altitude is the distance from the sea level. Second thing we learned about is barometer, which used to measure the atmospheric pressure. Atmospheric pressure is the pressure of atmosphere or the gases with which this atmosphere is made. That pressure which is exerted on the surface of Earth and is experienced by everyone, that is called the atmospheric pressure, and this is measured with the help of barometer. The third thing we have learned about hygrometer. Hygrometer is used to measure the humidity of any area, and humidity is the amount of water vapor present in an area. It is used in mining activities as well, because there with the depth as we go on, the humidity will be increased and we need some specific information about the humidity as we go to the depth of the surface. So third thing, hygrometer is used to measure humidity, and the fourth thing, hydrometer is used to measure specific gravity of liquids. What is specific gravity?
amount of liquid mixed with another liquid is called specific gravity. Suppose liquid A is mixed with liquid B, then how much amount of liquid A is mixed with liquid B is derived through the specific gravity of that liquid. And the device which measures the specific gravity of a certain liquid is called hydrometer. And through this, we have completed total 4 devices in today's class. And I hope you will understood these 4 devices, different types of scientific devices. In the next class, we will learn about some other scientific devices and their applications in our daily life. The question will be asked plain and simple like this, that which scientific device is used to measure for which kind of a thing. Okay, so you have to learn about those things. आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस साइंटिफिक डिवाइस को किस चीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. ये जो बाकी की इंफॉर्मेशन है, ये हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको चीजों को और बेहतर तरीके से समझने में आसानी हो. चलिए, अगर हमने यहाँ पर हाइड्रोमीटर के बारे में पढ़ लिया है तो एक चीज और देख लेते हैं, देन वी विल वाइंड अप द क्लास. दैट इज लैक्टोमीटर. बिकॉज लैक्टोमीटर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ हाइड्रोमीटर विच इज यूज फॉर अ स्पेसिफिक पर्पज, दैट इज इन डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ अ लिक्विड विच इज मिल्क. दूध कितना प्योर है या मिल्क कितना प्योर है वो पता करने के लिए जिस तरीके के हाइड्रोमीटर टाइप की डिवाइस का यूज किया जाता है उसको लैक्टोमीटर कहते हैं. अगेन, इफ मीटर इज यूज्ड हियर देन इट विल मेजर, एंड लैक्टो मींस देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मिल्क. सो दिस डिवाइस यूज्ड टू मेजर द प्योरिटी ऑफ मिल्क इन अ सॉल्यूशन. क्या मेजर करता है ये मेजर करता है प्योरिटी ऑफ मिल्क. तो जो साइंटिफिक डिवाइसेस हैं उनके नाम से भी आप पता कर सकते हैं आसानी से कि ये किस चीज को मेजर करने के काम आते हैं. जैसे हमने ऑल्टीमीटर पढ़ा तो उसके दो वर्ड हैं, एक है ऑल्टी और एक है मीटर. ऑल्टी वर्ड ऑल्टीट्यूड से लेकर के बना है, तो आपको अगर ऑल्टीट्यूड पता है तो आप आसानी से बता देंगे कि मीटर जो कि मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो ऑल्टीमीटर मेजर करता है ऑल्टीट्यूड को. सिमिलरली बैरोमीटर में मीटर वर्ड यूज हुआ है जिसका मतलब है किसी चीज को मेजर किया जाएगा. तो किस चीज को मेजर किया जाएगा, अगर आपको पता है बैरो जैसे वर्ड का जो यूज होता है वो किसी ना किसी रूप से विंड या एटमॉस्फेयर से रिलेटेड चीज होती है, तो यहां पर बैरोमीटर आपको आसानी से याद करना हो जाएगा कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है. सिमिलरली हाइग्रोमीटर में भी कुछ चीज मेजर की जाएगी बिकॉज द वर्ड मीटर इज देयर. तो हाइग्रो को आपको याद रखना होगा, एच फॉर हाइग्रो, एच फॉर ह्यूमिडिटी, सो इट मेजर्स द ह्यूमिडिटी. सिमिलरली हाइड्रोमीटर ऑल्सो मेजर समथिंग बिकॉज मीटर वर्ड इज यूज देयर. वट विल इट मेजर, सो हाइड्रो इज द की. यू हैव लर्न अबाउट हाइग्रो, एच फॉर हाइग्रो, एच फॉर ह्यूमिडिटी, बट हियर इज अनदर एच, एंड फॉर दैट यू हैव टू रिमेंबर दैट एवरीवेयर वेयर हाइड्रो इज यूज, हाइड्रो इज जस्ट एन अनदर नेम फॉर वॉटर. तो हाइड्रो का जहां जहां पर यूज किया जाता है वहां पर आपको पानी से रिलेटेड चीजें पढ़ने को मिलेंगी, ये आपको ध्यान रखना होगा. जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहते हैं, तो उसमें पानी के डैम बना करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, जिसमें हाइड्रो मतलब है पानी, इलेक्ट्रिक मतलब है बिजली, प्रोजेक्ट मतलब कि डैम बनाने का काम किया जाएगा. सिमिलरली हाइड्रोमीटर में सिंपली आपको समझ में आ चुका होगा कि पानी या लिक्विड से कोई चीज रिलेटेड है, मीटर मतलब मेजर करना है, और फिर आप थोड़ा बहुत जैसे जैसे लर्न करेंगे डिराइव कर ही लेंगे कि हाइड्रोमीटर में आपको लिक्विड्स की स्पेसिफिक ग्रेविटी पता करनी होती है. अगर एक लिक्विड में दूसरा लिक्विड मिक्स कर दिया गया है तो कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड मिक्स किया गया है उसको रीड करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है, उसको हाइड्रोमीटर कहते हैं. तो इस तरीके से आपको चीजें देखनी है. मीटर का वर्ड यूज होते ही आपको लगना चाहिए कि कोई मेजरिंग थिंग होने वाली है, किसी चीज को मापना होगा, और आगे का जो वर्ड लिखा गया है उससे आपको डिराइव करना होगा कि किस चीज को मापना होगा. सिमिलरली अब जब आप लैक्टोमीटर पढ़ेंगे तो मीटर का मतलब है मेजर करेगा, और लैक्टो वर्ड जहां कहीं भी यूज होता है वहां पर आप समझ लीजिए कि मिल्क या मिल्क से रिलेटेड डिराइव्ड किसी चीज के बारे में बात हो रही होगी, कहीं ना कहीं इसका रिश्ता मिल्क से बनेगा. ये कुछ खास तरीके होते हैं, कुछ खास ट्रिक्स होते हैं जिसकी वजह से आप चीजों को आसानी से याद कर सकते हैं. और यहां पर जितनी सारी साइंटिफिक डिवाइसेज आपके सामने आएंगे उनके नाम से ही, उनको सुनते ही आपके
जहन में ये पता चल जाएगा कि ये किस चीज को याद, इस चीज को मेजर करने के लिए हमने याद किया हुआ था. सो लैक्टोमीटर यूज टू मेजर प्योरिटी ऑफ मिल्क. इट इज बेस्ड ऑन हाइड्रोमीटर काइंड ऑफ अ थिंग, बिकॉज ये एक तरह का हाइड्रोमीटर ही है. अनदर फॉर्म ऑफ हाइड्रोमीटर इज लैक्टोमीटर, बट ये सिर्फ और सिर्फ दूध या मिल्क से रिलेटेड चीजों की प्योरिटी पता करने के लिए यूज किया जाता है. तो इसको कैसे यूज किया जाता होगा? पानी है एक लिक्विड टाइप ए, दूध है दूसरा लिक्विड, मिल्क दूसरा लिक्विड है टाइप बी. सो टाइप ए वाले लिक्विड को टाइप बी वाले लिक्विड में मिक्स करेंगे तो एक मिक्सचर मिलेगा ए और बी का, या वाटर और मिल्क का. उस मिक्सचर में एक हाइड्रोमीटर डालेंगे तो वो बता देगा स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मिल्क. प्योर मिल्क की स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी होती है? इट इज अराउंड 30-32 के आसपास हाइड्रोमीटर में रीडिंग आती है. और अगर प्योर मिल्क की रीडिंग से अलग रीडिंग यहां पर आ रही है, 30-32 से ज्यादा रीडिंग आ रही है, इसका मतलब है कि मिल्क प्योर नहीं है, वो गाढ़ा नहीं है, उसमें क्रीम कम है और वाटर का कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब इसमें कहीं ना कहीं पानी मिलाया हुआ है. तो दिस इज द डिवाइस विच इज बेस्ड ऑन सिमिलर थिंग दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोमीटर, बट इट इज यूज्ड स्पेसिफिकली फॉर डिटरमाइनिंग द प्योरिटी ऑफ अ मिल्क, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द लैक्टोमीटर. सो लैक्टोमीटर किस लिए यूज होता है? मिल्क की प्योरिटी का पता लगाने के लिए. सिर्फ इतना ही आपसे पूछा जाएगा. कभी कभी ये पूछा जा सकता है कि मिल्क की प्योरिटी का पता किस डिवाइस से लगाया जाता है, तो आंसर में लैक्टोमीटर दे देना होगा. ठीक है. सो अनदर फॉर्म ऑफ हाइड्रोमीटर, इट ऑल्सो वर्क्स अंडर द प्रिंसिपल ऑफ ग्रेविटी, जो कि आर्किमिडीज बता के गए हैं. किसी भी चीज को पानी में डालोगे तो अपने वेट की जितना पानी को वो डिस्प्लेस करेगा. यहां पर पानी या लिक्विड कुछ भी वर्ड यूज कीजिए, तो लिक्विड में कोई भी चीज डालोगे जितना उस चीज का वेट है उतना ही वो लिक्विड को डिस्प्लेस करेगा. अगर उसका वेट बहुत ज्यादा है तो लिक्विड को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देगा, इसका मतलब वो दरवाजा तोड़ के अंदर आ जाएगा और डूबने लगेगा. अगर वेट बहुत कम है तो उतना ही लिक्विड डिस्प्लेस करेगा जितना कि सरफेस पर बना रहे, यानी कि दरवाजे को खटखटाता ही रहेगा, डूबेगा नहीं, तोड़ के अंदर नहीं जाएगा, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था. तो इट इज यूज्ड मोस्टली इन मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड डेयरी इंडस्ट्री. तो सिंपल सी बात है, अगर आपको दूध की प्योरिटी का पता लगाना है तो फिर मिल्क इंडस्ट्री या डेयरी इंडस्ट्री में ही लैक्टोमीटर का यूज किया जाएगा. और यू कैन सी दिस इज अ बर्तन है ये, जिसमें आपको दूध दिख रहा है, और ये है लैक्टोमीटर जो इसमें फ्लोट करेगा, और यहां पर इसको रीडिंग मिलती रहती हैं, तो जितना फ्लोट करेगा उसकी रीडिंग उतनी ही आएगी. 32-32 के बीच में अगर इसकी रीडिंग आएगी तो ये प्योर मिल्क है, अगर उससे ज्यादा आ गई तो ये प्योर मिल्क नहीं है. तो टुडे वी हैव लर्न अबाउट सम साइंटिफिक डिवाइसेस, ऑल्टीमीटर, बैरोमीटर, हाइग्रोमीटर, हाइड्रोमीटर एंड लैक्टोमीटर. दीज आर द साइंटिफिक डिवाइसेज विच आर यूज इन डेली लाइफ, और there are some devices which are used in aircraft or other purposes. इन devices के बारे में दोबारा revision कीजिएगा, और अगली class में हम इस चर्चा को या इस बात को जारी रखेंगे और कुछ और scientific devices के बारे में पढ़ेंगे. तब तक के लिए अब से लेते हैं विदा, अगली class में मिलेंगे. Till then, all the very best and bye-bye.